कबीर और रविदास ने देखी, तो उनने कहा कि कोई भी पत्थर, कोई भी नदी नाला, कोई भी तंत्र मंत्र हमारा विकास नहीं करेगा। इसलिए कबीर ने कहा, पाहन पूजे हर मेले तो मैं पूजू पहाड़, यार से तो चाकी भली बीस का संसार। रविदास कहते हैं सज्जनों, क्या कहते हैं रविदास जी महाराज? रविदास कहते हैं कि तोड़ो न पाती पूजू न सेवा, पूजू न देवा, सहज समाधि करू हर सेवा, माथे तिलक हाथ जपमाला, जग ठगने को स्वांग बनाया, मारग छाड़ी कुमारग ढेके, साची बिरज में राम न पाया। इस प्रकार इन संतों ने बोला कि सब जाति के लोगों को हथियार उठाने का अधिकार होना चाहिए, सब जातियों के लोगों को आगे बढ़ने का अधिकार होना चाहिए। जब सर्व समाज के लोग आगे बढ़ेंगे तब जाकर के देश आगे बढ़ेगा, एक जाति के आगे बढ़ने से देश आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन रविदास की बात को नहीं माना गया। हाँ, हमारे ब्रजेश आर्य जी का स्वागत डॉक्टर साहब कर रहे हैं और जो होशंगाबाद से पढ़ा रहे हैं। तो सज्जनों, इसके बाद कबीर और रविदास ने बड़ी क्रांति की। रविदास और कबीर जो संत हुए थे, नानक देव महाराज हुए थे, संतों का एक बहुत बड़ा मूवमेंट चला। पूरे देश में ये लोग गए, इन्होंने जाति नारी शिक्षा के बारे में बताया, जाति अंधविश्वास के विषय में बताया। और इस काल में ये होता है कि हमारे देश में जाति का ऐसा लफड़ा था कि किस प्रकार कोई, जैसे किसी गांव में मुस्लिम लोग रहे और उन्होंने पानी में कुछ डाल दिया और उस पानी को गांव वाले ने पी लिया, तो उनके ये झोरा दो, ये तो बामण तो अबड़ा गयो, ये तो भ्रष्ट हो गए, चाचा बना दो, तो बामड़ा को धक्का दे कि चाचा बना दे। ये जितने भी मुसलमान बने ये हमारे भाई है। अभी मैं कश्मीर में गया था, जम्मू कश्मीर में मेरा प्रवचन था, तो जिस बिल्डिंग में मेरा प्रवचन था वो गुजरों की थी और वो सारे गुजर मुसलमान। हेलो, मैं जिस बिल्डिंग में मेरा प्रवचन था तो वहाँ लिखा था गुज्जर भवन। और आज भी आप देखा होगा, अभी वहाँ पर एक बालिका के साथ दुष्कर्म हुआ था, वो गुजर समाज की थी, मुसलमान थी। ये जो सारे हिंद जो थे ना, मतलब ये ब्राह्मण धर्म को मानने वाले लोग, यहाँ से छुआछू जात पात से परेशान होकर के कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई जैन बन गया, कोई बौद्ध बन गया। जब हम अपने लड़के को गले नहीं लगाएंगे तो वो भी माँ बाप से परेशान हो पाएंगे, तो दादाजी तुम्हारे जड़ा दूंगा एक दिन, पर अभी हमारे जिले तो यार अभी तो मैंने अलग रूंगा तुम्हारा माथी खाक के। अपनो बेटो अपने छोड़ के चल जाएगा, गलत करियो साइकिल साहब। तो हम अपने लोगों को गले नहीं लगा सकते। अभी मालूम है क्या, गुजरात में एक ओबीसी का आदमी था, उन्होंने बड़ी बड़ी मूछा रख ली फैशन में, तो गांव वाला दफा दे, नीची जाती हो फैशन करे, मूछा उखाड़ दे बापड़ा की, ओबीसी का आदमी था। अभी बुलंद शहर में हमारे वाल्मीकि समाज की महिला थी, वो भूलवश किसी से टकरा गई, सफाई कर रही थी, तो गर्भवती थी, उसको मार दिया औरत ने, आदमी ने मिलकर मार ही दिया उसको। अभी मुरैना खंड में क्या हुआ है, घटना घटी दो चार साल पहले की बात है। गांव में एक दलित महिला थी, वो अपने हली ग्वाल पति को रोटी देने गई, तो रोटी देने गई तो रोटी दे करके वो वापस आई, तो एक रोटी उसने क्या है कुत्ते को डाल दी, पटेलवा का कुत्ता खड़ा था, तो कुत्ते को डाल दी, तो पटेलवा ने कि मार कुत्ता अबड़ा गया, उसको संस्कार करूंगा, 10,000 रुपया दे, दे। तो वो गरीब आदमी कहाँ से दे बापड़ी, तो कलेक्टर की जन सुनवाई हो रही थी, तो जन सुनवाई में हाथ जोड़ी के साथ मारो न्याय करो, तब जाके पूरा मीडिया में पूरा देश में आया, कैसा समाज बनाया हमने, कैसा धर्म बनाया, कैसी संस्कृति बनाई, इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया। यहाँ पर जानवर का पेशाब पीने से आदमी पवित्र हो जाता है, जानवर की विष्ठा खाने से आदमी पवित्र हो जाता है। मैंने एक दोहा लिखा, विष्ठा खाई गाय ने हमने पिया मूत, और राख छाट ली मंदिर में फिर भी छुआछू। अरे बाटी शेखी बापले फटे राख घुस जाए, वो करते छुआछूत को चूर चूर के खाए। आपने देखो बापले बना है, वो बापले के सेके काय थे, काय के सेके अंडा पे, अंडा काय का बने, जानवर का पखाना, वो आदो आदो हमें थोड़ा बहुत मिल भी जा, हरिया बड़ा चाव, हमें जानवर के पखाने से नफरत नहीं है, इंसान से नफरत है। विचार कीजिए, चिंतन कीजिए, गौर कीजिए, कब हम सुधरेंगे? आज बहुत सारे लोग हमारे आदिवासी ईसाई बन गए, तो कभी तो धर्म छोड़ दिया उन्होंने, अब ये अणि ईसाई को, हिंदू ईसाई को आदिवासी ईसाइयों से लड़ाया जा रहा है। जो हिंदू से मुसलमान बने वो भी पिछड़ा वर्ग के बेचारे, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से लड़ाया जा रहा है। अरे एक गुजर हिंदू रहे या मुसलमान रहे तो गुजर है बेचारा, एक यादव वो हिंदू रहे या मुसलमान रहे तो यादव रहेगा। मैंने देखा नाई जो समाज होता है वो मुसलमानों में नाई होता है, मुसलमानों में कुमार होता है, मुसलमानों में पाटीदार होता है, मुसलमानों में ब्राह्मण है। ये जो कश्मीर में बहुत सारे ब्राह्मण मुसलमान बन गए, पाकिस्तान जो पाकिस्तान में आज ठाकुर है ब्राह्मण है, वो सारे लोग मुसलमान बन गए। अभी मालूम है आपको, जाट तीन जगह बैठा हुआ है, जाट है जो पंजाब में जाट जो रहते हैं, यहाँ भी जाट है, जाट सिख है, जाट मुसलमान है और जाट हिंदू है। हम सब लोग एक ही है, कोई हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध पारसी नहीं है। अगर हमारा दिल बड़ा होता तो कोई हमारा घर छोड़ के नहीं जाता। हम अपना दिल बड़ा करें तो सारी समस्या हल हो जाएगी।
जो जिस जाति में पैदा हो, जो जिस धर्म में पैदा हो, उसको वही रहना चाहिए, दूसरा धर्म चेंज नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा हमारे धर्म में किसी को शामिल करने का सिस्टम ही नहीं है। उसने कहा कि मेरे को धर्म तो चाहिए मुझे। अब उसका वो जो राजपाट था, वो मंत्री का कैबिनेट, उसने कहा कि कोई भी आदमी मुझे पहली बार सुबह से दिखेगा और वो दिखेगा तो उसका धर्म में मान लूंगा। ये बात मुस्लिम फकीर को पता चली। वो कैबिनेट मंत्री के मतलब जो राजा था, कैबिनेट मंत्री था, उस मंत्री के मकान के सामने, बिल्डिंग के सामने खड़ा हो गया। जैसे ही वो पता चला, कैबिनेट मंत्री रतनचू निकला, उन्होंने कहा बाबा आप मुझे अपने धर्म में लेंगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं, अल्लाह ताला का रास्ता तो सबके लिए, खुदा का रास्ता, परवरदिगार का रास्ता सबके लिए, इस्लाम के दरवाजे सारी दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए खुले। जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है वो मोमिन है, उसके लिए रोटी बेटी व्यवहार हमारा खून तक कुर्बान है। आओ, उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा और मुसलमान बन गया। सहदेव की को मार करके, उसकी औरत से शादी करके, और जिन लोगों ने ब्राह्मण बनाने से इनकार कर दिया था उनको बोरे में भर भर के और श्रीनगर की जो झील थी उसमें डाल दिया। आज भी उस स्थान को भट्ट मजार कहते हैं। ब्राह्मणों में एक जाति होती है, भट्ट सरनेम होता है, उनको बोरों में डाल डाल के वहां मार दिया। अगर ये जात पात नहीं होती, ये जहर नहीं होता, तो ये कश्मीर की समस्या नहीं होती। बांग्लादेश कैसे बना मालूम है? ढाका में एक नवाब था और उसकी सेना में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था तलाचंद राय। बड़ा खूबसूरत, हट्टा कट्टा, मोटा, ताजा, सुबह से उठ करके छोटी छोटी चिट्ठियां, जिनको भी कोई प्रश्न हो, शंका हो, वो लिख के दे देना मुझे, तो मैं बाद में आपको आधे घंटे में, क्योंकि टाइम हो रहा है बस 15 मिनट के बाद, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो सज्जनों, खट्टा खट्टा लड़का, उष्टंडा, अब वो दंड बेटा कसरत करता, गंगा में जाकर के डुबकी लगाता, नहाता धोता नदी में। अब क्या हुआ, वो लड़की खिड़की की जाली में से उसे देखती, बड़ा खूबसूरत जवान है, खट्टा खट्टा है, वर्जिश करता है। धीरे 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 वो रोज उसे देखती और उसको उससे प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो महल में पता चला कि लड़की खिड़की पे बैठी रहती, दिन भर छोड़ती नहीं, सुबह शाम से उसने एक तरह का वो बना रखा। महल में पता चला कि यार गड़बड़ कुछ हो गई है। राजा को पता चला, नवाब साहब को पता चला, उन्होंने कलाचंद राय को बुलाया, लड़की को बताया कि बेटा क्या बात है कि पापा मैं उससे मांडा करूंगा, शादी करूंगा, मैं वो लड़का मुझे जब रहा उससे शादी करूँ। अरे अगर चाहनी है तो वो ब्राह्मण है और अपन मुसलमान है, उससे कैसे मांडा हो सकता, अपना शादी कैसे हो सकती है? कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं तो मेरी मर जाऊँगा जहर खा के, पर मेरा शादी उसी से करूँगा। अच्छा, ये मोहब्बत की बीमारी इंटरनेशनल है, इसका किसी देश काल परिस्थिति से मतलब वो नहीं है, इसका हिंदू मुसलमान जैन बौद्ध पारसी ईसाई से कोई संबंध नहीं है, ये इंटरनेशनल बीमारी हर युग में होती है। तो अब क्या हुआ, उसने कहा अब बाप क्या करे बेचारा। तो वो जो था कलाचंद राय, वो था सैनिक, कलाचंद राय को बुलाया, उन्होंने कहा करे कहा हजूर, उन्होंने कहा यार तू मेरी लड़की शादी कर ले। उन्होंने को साहब कहीं कह रहा मेरा तो मांडा हो चुका, छोरिया छोरी अलग मारे, मैं आपकी लड़की से कैसे शादी करूं, ए मैं कह रहा हूँ ना शादी करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा नहीं, उधर से मुल्ला जी बोले ये मुसलमान बन जाते, साहब मुसलमान नहीं बनो, तो तुम्हारी सेवा कर रहे हैं, हमारे मांडो भी नहीं करना, मुसलमान भी नहीं बनना, ऐसे नहीं मानेगा, करें इसका मुसलमान बन, नहीं बनू शादी कर ले, नहीं करूं। राजा साहब ने उसको कहीं ना कहीं चोरी वोरी का कोई इल्जाम लगाया, चलो इसको फांसी पे चढ़ाओ। अदालत बैठी, अदालत ने उसको फैसला दिया कि इसको फांसी पे चढ़ा जाए। फांसी का दिन आया और वो लड़की दौड़ते दौड़ते और उस फांसी के फंदे के सामने जाके खड़ी होगी। उन्होंने कहा ये गुनाहगार नहीं है, गुनाहगार मैं हूं, मेरी वजह से इसको राजा नवाब साहब झूठे मुकदमे में फंसा करके और फांसी पे चढ़ा रहे, फांसी देना तो मुझे दे। राजा का जल्लाद का काजी साहब का दिल पसीज गया कि इतना मर रही है इस लड़की के लिए, कर दो मांडा। कि ठीक है भैया तू मुसलमान बनो, तो छोरी के लिए मांडो तो कर ले। ढूंढा आज भी देखा होगा होता है कोई शादीशुदा होता तो उसके प्रति भी आकर्षित हो जाती महिला, पुरुष भी होता है। ये सिस्टम मतलब परमात्मा ने प्रकृति ने बनाया, आपने मेरे नहीं बनाया, ये मेरा सिस्टम नहीं है। तो सज्जनों क्या हुआ, राजा साहब ने उसका मांडा कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है मैं ब्राह्मण रहूंगा और मैं ये तुम्हारा सिस्टम को नहीं मानूंगा, तो ठीक है तू इस लड़के को रख ले। अब राजा साहब ने उसका प्रमोशन करके सेनापति बना दिया, क्योंकि राजा साहब का जमाई और चपरासी रहे तो मजा आएगा। उन्होंने कहा ठीक है तू सेनापति, आज सेनापति हो गया। अब वो अपने माँ बाप से मिलने के लिए गया, उन्होंने कहा उसकी लड़की को भी ले गया, औरत को भी ले गया, साहब मेरी ये नई पत्नी है,
माँ बाप ने गांव वालों ने ब्राह्मणों ने बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि तेरा धर्म नष्ट हो चुका है, तू चाची का हाथ का रोटा खाया। अरे तो रोटा नहीं खाऊं, रोटा दूं अपने ब्राह्मण का हाथ का ही खाऊं, उसे सर थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत करता, बाकी कुछ नहीं, वह मर रही थी इसलिए। अरे नहीं नहीं, थारा धर्म नष्ट हो गया, अपना क्यों दादा, थारी औलाद पैदा होगी, वर्ण संपर्क पैदा होगी, तूने धर्म नष्ट कर दियो। पापा मैंने धर्म नष्ट नहीं किया, मैं तो हिंदू ही हूँ, मैं तो ब्राह्मण ही हूँ, मैं तो सब वही करता हूँ जो कर रहा हूँ। अरे असुर चले गो काश जगन्नाथ के मंदिर में जाकर के वहां से फतवा लेके आ, अगर वो तुझे ब्राह्मण मान ले तो हम तुझे ब्राह्मण मान ले। जगन्नाथ के मंदिर में दोनों जाते हैं, पंडों से कहा कि साहब मैंने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली, अब मुझे आपको हिंदू मानना है और एक फतवा दे दो यहाँ से, मैं अपने गाँव वालों को बता दूं पंडित जी को, वो मुझे हिंदू मान लेंगे। अरे हट, वो तो भ्रष्ट हो गया, चाची से मारो बोलियो तेरे, अबड़ा जो तू तो। सात दिन और सात रात तक वो आदमी वो औरत वहां के भूखे प्यासे पंडों के सामने गिड़गड़ाते रहे, लेकिन पंडों का दिल नहीं पसीजा। उनने कहा, पंडों से कहा, अच्छा मुझे मंदिर में प्रवेश नहीं करने दोगे, मुझे हिंदू नहीं मानोगे, नहीं मानोगे। उनने कहा कि अब कलाचंद्र आया आएगा, जैसे गया मुझे मुसलमान बना दो। मुसलमान बनने क्या जरूरत है, तुम हमारे जमाई हो, नहीं नहीं मुझे ऐसे धर्म में नहीं रहना जो इंसान को इंसान ना माने, मुझे मुसलमान बनाओ। मुसलमान बना दे, सेना लेकर के गया, जितने भी पंडित थे गड्ढे खुदाए और गड्ढे खुदा करके और इतना इतना गर्दन भरी, सात दिन सात रात तक भूखा मारा और घोड़े के पंजों से उनकी खोपड़ी उछलवा दी, मंदिर में आग लगा दी। क्या करा हमने, कैसा धर्म बनाया हमने, कैसी संस्कृति बनाई हमने, हमने इंसान को इंसान का दुश्मन बना दिया, एक इंसान को गले नहीं लगा सकते। उसने मुसलमान लड़की से शादी कर ली, उसने उसके हाथ का खाना खा लिया, उसने संकल्प लिया जब तक 10,000 हिंदुओं को मुसलमान नहीं बनाऊंगा तब तक खाना नहीं खाऊंगा। दिन रात बढ़ गया, पूरा बांग्लादेश जो आज आप देख रहे हैं ना, पूरा बंगाल बिहार मुसलमान बना, ये कलाचंद राय ने बनाया। एक साल हो गया, उसके सैनिकों ने एक गांव पर हमला किया, उसकी बुआ जी के साथ दुष्कर्म किया। कलाचंद राय को पता चला, उसकी भाजी आई कि तेरे सैनिकों ने मेरे साथ, कलाचंद राय की छाती फट गई और वो अनजान जगह चल के ना जाने कहाँ गया, ऐसा इतिहास में लिखा। सज्जनों, कोई भी आप कलाचंद राय की हिस्ट्री गूगल पर जाकर पढ़ोगे आपको पता चलेगा। पाकिस्तान किसने बनाया, पाकिस्तान हमने बनाया, कैसे बनाया, जिन्ना के बाप दादा हिंदू थे, मछली का व्यापार करते थे, हिंदुओं ने कहा मछली को व्यापार करे तो धर्म नष्ट हो जाएगा, ढूंढा उसको, मजबूरी में मुसलमान बनना पड़ा, खोजा जाति का था, चिड़के मुसलमान बनाया। अगर जात पात नहीं होती तो ये देश, ये भारत माता पूरे विश्व गुरु होती, पूरे वर्ल्ड में हम जाते, आज हम जाति की चर्चा नहीं करते। वो सारे लोग कहते हैं जाति की चर्चा मत करो, जातिवाद बढ़ेगा, जातिवाद नहीं बढ़ेगा सज्जनों, जब तक जाति है जाति की चर्चा करनी पड़ेगी, जाति की बीमारी को समझना पड़ेगा, जाति के इतिहास को समझना पड़ेगा। अगर हमें कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डॉक्टर हमें जांच की कहता है कि जांच करवाओ, कब बीमारी हुई, काका काका डॉक्टर को इलाज लियो, इसके बाद अपन उस बीमारी का इलाज करते हैं। मैं दो बीमारी मानता हूँ भारत की, जाति अंधविश्वास ही सब रोगों का मूल, और मिट जाए तो खिल जाए मानवता का। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।